नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है, न कोर्ट रहेंगे और न फोर्स रहेगी, न फौज होगी और न कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये लोग मुझे गद्दार कहना चाहते हैं मगर मैंने ईमानदारी से काम किया है। जम्मू कश्मीर में मुझे 300 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था जिसे ठुकरा दिया गया। अब मुझे नहीं फंसा पा रहे हैं, इसीलिए मेरे नीचे जो अधिकारी रहते थे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई को लगा दिया गया है। इसका मकसद है कि षड्यंत्र रचकर मुझे जेल भेज सके। गौरतलब है कि मलिक अलवर जिले के वानसूर दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ वानसूर के गाँव फतेह में राम दरबार मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने 21 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यपाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अडानी इनका साथी है जिसने 3 साल में इतनी दौलत बना ली, देश का सबसे बड़ा ईमानदार हो गया। पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ रुपए के बारे में पूछा तो प्रधानमंत्री बता नहीं पाए। पीएम अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं। लोगों को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि इस बार आप इनके राज को पलट सकते हैं। पुलवामा में हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे, तब मैं कश्मीर का गवर्नर था। जब सीआरपीएफ के जवानों की मूवमेंट होती थी तो वो खबरें ना देकर गृह मंत्रालय को खबर देते थे। पुलवामा हमले की जांच नहीं हुई, अगर जांच होती तो गृह मंत्री का इस्तीफा होता और काफी अफसर जेल में होते। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।